दिल्ली वासियों को बीते दिन की शीतलहर से कुछ राहत मिली। 5 दिन बाद न्यूनतम तापमान 5 डिग्री से ऊपर दर्ज किया गया। इसमें लगभग 2 डिग्री की बढ़ोतरी देखने को मिली। पिछले 5 दिनों से ये तापमान 3.3 डिग्री से 3.9 डिग्री के बीच बना हुआ था, जबकि बुधवार की बात करें तो ये 5.7 डिग्री पर था, जो सामान्य से 2 डिग्री कम है। अगले कई दिनों तक न्यूनतम तापमान 5 से 6 डिग्री के बीच ही रहने की संभावना है। मौसम विभाग के मुताबिक 12 से 16 जनवरी तक लगातार दिल्ली में शीतलहर की स्थिति बनी रही। साल 2023 में भी 5 से 9 जनवरी तक लगातार शीतलहर चली थी। बीते साल जनवरी की बात करें तो कुल 8 दिन तक शीतलहर रही, जबकि इस साल जनवरी महीने में 5 दिन शीतलहर चली। जानिए कितना रहा तापमान। बीते कल न्यूनतम तापमान में बढ़ोतरी के साथ ही मौसम में भी सुधार देखने को मिला। हवा की गति तेज रहने की वजह से ठंडक बनी रही, लेकिन दिन में तेज धूप निकलने से ठंड का असर कम हुआ। बुधवार को दिल्ली का अधिकतम तापमान 18.2 डिग्री दर्ज किया गया, जो सामान्य से 1 डिग्री कम है। वहीं अधिकतम तापमान 16 डिग्री मुंगेशपुर में दर्ज किया गया। अगले कुछ दिनों तक शीतलहर की संभावना नहीं। मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली में अगले कुछ दिनों तक शीतलहर चलने की संभावना नहीं है। आज की बात करें तो आज सुबह कोहरा रहा, जबकि दिन में आसमान साफ रहेगा। अधिकतम तापमान 18 डिग्री जबकि न्यूनतम तापमान 5 डिग्री के आसपास बना रहेगा। वहीं शुक्रवार से अधिकतम तापमान बढ़ेगा और आने वाले दिनों में ये 21 डिग्री तक रह सकता है। वहीं न्यूनतम तापमान अगले 6 दिनों तक 5 से 6 डिग्री के आसपास बना रहेगा।